है जो देखिएगा ये ऑयल में निकल रही है, तो देखिएगा इसमें कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है। जैसे मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल मैंने वैसे ही बनाए हैं मंचूरियन। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई हो आप सब ठीक ही होंगे। तो अभी के बज रहे 2, तो आज हम कौन सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो चलो हम आपको दिखाते हैं। तो ये है लहसुन का पेस्ट, तो मैंने इसको भी कद्दूकस कर लिया है। तो 4-5 कलियाँ थी लहसुन की, तो इसको मैंने कद्दूकस कर लिया। तो मेरे पास प्याज ज़्यादा नहीं थी, मेरे पास एक प्याज थी बिल्कुल छोटी सी थी, तो मैंने उसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और ये है हमारी 4-5 हरी मिर्ची, तो मैंने इसको भी छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। तो अब चलते हैं, जो हमारा मेन चीज़ है वो है ये, तो ये है पत्ता गोभी। तो मैंने इसको कद्दूकस कर लिया था, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना बारीक किया है। तो जब भी आप लोग मंचूरियन बनाओ तो ऐसे ही कद्दूकस करना पत्ता गोभी को, काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो चलो हम इसको कर लेते हैं, इसमें मिक्स करने वाले हैं हम। तो इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च जो हमने कटी हुई रखी थी, इसमें हमने ऐड की सारी हरी मिर्च। अब ऐड करने वाले हैं इसमें प्याज जो हमने कटी हुई रखी थी, तो ये प्याज भी डाल दिए मैंने। अब इसमें जो अदरक का कद्दूकस किया था, यानी लहसुन का कद्दूकस किया था, वो भी मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी नमक। तो मैं इसमें ज़्यादा नमक नहीं करूँगी, एक चुटकी लूँगी मैं नमक, मैं इतना नमक लूँगी, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। आप अपने रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, मुझे इतनी ही नमक चाहिए क्योंकि जल्दी। तो देख सकते हैं मैंने इतना ऐड कर दिया है नमक। लगा के यहाँ रख देते हैं साथ में। अब चलते हैं, इसमें हम थोड़े कलर के लिए डालेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं मंचूरियन, तो इसमें थोड़ा हमारे पास था ये पिसी लाल मिर्च, तो हम इसको डाल दे रहे हैं। नहीं तो बहुत से लोग कलर डालते हैं, मेरे पास कलर नहीं था तो मैं यही डाल रही थी, इससे भी काफ़ी अच्छा बेस्ट कलर आएगा। तो ये इसमें डाल रही हूँ मैं पिसी मिर्च, यानी कश्मीरी लाल मिर्च। तो देख सकते हैं मैंने ज़्यादा डाला है, क्योंकि मुझे तीखा पसंद है, तो मैंने अपनी रिकॉर्डिंग डाला है, तो मैंने ये डाली है 1 चम्मच, आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमको मंचूरियन बनाना है तो काफ़ी टेस्टी। तो इसमें हम थोड़े से मसाले भी ऐड करेंगे, तो हम इसमें ऐड करने वाले काली मिर्च वाला मसाला, यानी तो देख सकते ज़्यादा नहीं यूज करना है, थोड़ी सी मात्रा में ही यूज करेंगे, तभी तो हमारे बड़े किस्मी और खसखसे बनेंगे मंचूरियन। तो देख सकते हमने इसमें मसाला भी ऐड कर दिया है, तो अब बारी आती है इसमें बारी आती है बेसन ऐड करने के लिए। तो सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी है, तो हम ये ले लिया हमने बेसन, तो इसको मैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐड करूँ। पहले मैंने जो सारी चीज़ें ऐड की थी, पहले मैं उसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिएगा आप लोगों को ऐसे ही हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि जो पत्ता वो भी ये पानी छोड़ता है, तो हमें पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं। देख सकते हैं इसमें आराम से ये सारी चीज़ें अच्छे से मैश हो जाएगी, देख सकते हैं हमको ऐसे ऐसे
तो देख सकते हैं मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली है। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं बेसन, तो हमने एक चम्मच ले ली है, तो चम्मच की सहायता से हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐड करते जाएंगे ताकि जो अच्छे से इसमें मैश होता जाए हमारा जो बेसन है। तो अभी मुझे और बेसन लगेगा, अभी मैंने एक चम्मच डाली थी। तो इसमें अभी हम और ऐड करने वाले हैं, तो एक चम्मच मैंने और ऐड की है, तो हमारी दो चम्मच हो चुकी है। अब तीसरी चम्मच और डाल रहे हैं हम इसमें बेसन। तो देख सकते हैं मैंने तीन चम्मच मैंने बेसन ऐड किया है इसमें। अब हम आप लोगों को देख सकते हैं ये अच्छे से हमारा जो मिक्सर था वो अच्छे से मैश हो चुका है, क्योंकि हमें बॉल्स से बनाना है छोटे छोटे। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से